अमेरिका में जो बाइडेन की जीत के साथ ही वहां सड़कों पर जश्न शुरू हो गया। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन को 538 में से 290 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जो कि राष्ट्रपति बनने के जादुई आंकड़े 270 से भी 20 ज्यादा हैं। अमेरिका में जो बाइडेन की जीत ऐतिहासिक है और जीत के साथ ही भारत को उनसे उम्मीदें भी बहुत सी हैं, जिसका एक अच्छा संकेत बाइडेन की ओर से दिया भी गया है। जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों को अमेरिकी नागरिकता का रोड मैप जल्द ही तैयार करेंगे। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। और इसमें योगदान पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को बाइडेन के समर्थन में सड़कों पर जश्न का माहौल बन गया। न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर उतरे और जश्न में नारेबाजी की। इस बीच में बाइडेन ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह जीत गोरो या कालो की नहीं बल्कि अमेरिकियों की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में वो सबको मिलकर काम करेंगे। I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोटों के साथ बाइडेन के पास अब कुल 290 इलेक्टोरल वोट हो गए हैं, जो राष्ट्रपति बनने के जादुई आंकड़े 270 से अधिक है। वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। इस चुनाव में डेमोक्रेट कमला हैरिस ने भी इतिहास रचा। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। To our campaign staff and volunteers, this extraordinary team, thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. उधर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। उनका दावा है कि उन्हें 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक 7 करोड़ 40 लाख वोट मिले हैं। फिलहाल चुनावी नतीजों के ताजा अनुमान के अनुसार जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन भारत के नजरिए से देखें तो बड़ा सवाल अब यह है कि बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चलेंगे या फिर नई लकीर अपनी खींचेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2000 के बाद से भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा, रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों में काफी मजबूती आई है। तो क्या ये ट्रेंड जो बाइडेन प्रशासन में भी बरकरार रहेगा? ट्रंप की विदाई तय हो चुकी है और व्हाइट हाउस बाइडेन का इंतजार कर रहा है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें नए राष्ट्रपति पर टिकी है। भारत में भी बड़ा सवाल है कि ट्रंप ने जिस रिश्ते को मजबूत किया, अब उसकी दशा और दिशा क्या होगी। क्या ट्रंप की तरह ही बाइडेन अमेरिका और भारत की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और क्या भारत की मोदी सरकार से उनकी तालमेल ट्रंप की तरह बनेगा? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अब अमेरिका में रिपब्लिकन की
नई बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारत के नजरिए से देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से भारत की मददगार रही है। बराक ओबामा हो या बिल क्लिंटन, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपतियों का भारत के प्रति झुकाव रहा। चाहे व्यापार हो या रणनीतिक मामले, भारत को डेमोक्रेटिक्स का साथ मिला। यही वजह है कि भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है जो बाइडेन के सत्ता में आने से सकारात्मक माहौल बनेगा और ट्रंप की नीतियों पर चलते हुए भारत अमेरिका की दोस्ती मजबूत होगी। Keep the faith, guys. We're gonna win this. बाइडेन अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय मूल के अमेरिकियों से संपर्क किया और जाहिर किया कि वो भारत के लिए अच्छी सोच रखते हैं। वहीं बाइडेन के प्रमुख रणनीतिकार एंथनी क्लिकेन कह चुके हैं कि हम एक जैसी वैश्विक चुनौतियों से बिना भारत का साथ लिए नहीं निपट सकते। भारत के साथ रिश्तों को मजबूत और गहरा करना हमारी उच्च प्राथमिकता में रहने वाला है। रक्षा रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों में अमेरिका और भारत के रिश्ते अब संस्थागत हो चले हैं। ऐसे में उम्मीद है कि बाइडेन उसमें बदलाव नहीं करेंगे। जो बाइडेन की सोच भारत के रक्षा और सुरक्षा के मामलों में, मैं समझता हूँ वो उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करेंगे जो बराक ओबामा के टाइम पे थी, और कुछ हद तक जो से राष्ट्रपति ट्रंप का जो रुख रहा है उस पे भी मैं समझता हूँ कि जो बाइडेन उसके अलग नहीं जाएंगे। जो समझौते हमारे रक्षा और सामरिक क्षेत्रों में हुए हैं, जिसमें कि आपसी आदान प्रदान का होता है, बीका समझौता, बिस्ता समझौता, उनको वो देशों के बीच में होते हैं और जो बाइडेन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। चीन पर बाइडेन का नजरिया क्या है? एलएसी पर चीन के साथ भारत की तनातनी जारी है और ऐसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का स्टैंड भारत के लिए बेहद अहम होगा। चीन के खिलाफ ट्रंप ने भारत का खुलकर साथ दिया, लेकिन बड़ा सवाल कि बाइडेन का चीन के प्रति रुख क्या होगा। बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब चीन के लिए उनका रवैया नरम रहा था, लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका और चीन की व्यापारी तनातनी की वजह से बाइडेन चाहकर भी चीन के लिए नरम नहीं रह पाएंगे। खुद बाइडेन के कई सलाहकार चीन के खिलाफ सख्ती दिखाने की राय रखते हैं। ऐसे में तनातनी की सूरत में अमेरिका का समर्थन भारत के साथ होगा। तो कोई भी राष्ट्र जो है, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति की ये कोशिश हमेशा रहती है कि वो इस अपने हथियारों को दूसरे देशों को जितना ज्यादा दे सके वो दे, क्योंकि उससे उनको बहुत ही ज्यादा, उनके यहाँ जो कंपनीज हैं उनको आर्थिक लाभ होता है। तो अमेरिका जो है वो भारत को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा। अमेरिका की जो नीति है भारतीय रक्षा संस्थानों के साथ में, समायोजन के साथ में, सहयोग के साथ में चलने की, वो चलती रहेगी। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका में चीन के खिलाफ एक बड़ी लॉबी है जो बेहद प्रभावशाली है। चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की नीति में ज्यादा अंतर नहीं है, जिसका फायदा भारत को मिलेगा। साथ ही भारत चीन के बीच टकराव की स्थिति में अमेरिका का झुकाव भारत की ओर निश्चित रूप से होगा। बाइडेन चाहकर भी इस नीति में बदलाव नहीं कर सकते। व्यापारिक मामलों पर बाइडेन का रुख, जो बाइडेन के आज जाने से भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी है। दूसरा जो है, अमेरिका को भारत की जरूरत है साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों को रोकने के लिए। भारतीय नेवी हमारी अंडमान निकोबार की जो हमारी कमांड पोस्ट है वो, और मलक्का स्ट्रेट से हमारा पास होना, वो सब अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि वो भारत को अपने साथ रखे। तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ में भारत को भी अमेरिका अपने साथ रखेगा, रखना चाहेगा।
विदेश मामलों के जानकार कश्मीर पर जो बाइडेन की सोच। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत दुनिया भर में एक मजबूत देश के तौर पर उभरा है। ऐसे में भारत की इस मजबूत स्थिति को जो बिडेन के लिए भी नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। वैसे भी अमेरिका लगातार कहता रहा है कि वो अपने मित्र देशों का सहयोग हमेशा करता रहेगा। ऐसे में अमेरिका का कश्मीर को लेकर रुख में कोई बदलाव आएगा लगता नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ा मसला H-1B वीजा है। भारत के साथ दोस्ती निभाने के बावजूद ट्रंप ने इस मामले में बड़ा रुख दिखाया था। उम्मीद की जा रही है कि बाइडेन की सरकार इस मामले में नरम रुख दिखा सकती है। उनका भारत के प्रति एक तरह का झुकाव रहा है भारतीय नागरिकों के साथ और भारतीय सरकार के साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो कभी भी भारत के खिलाफ नहीं गए। पीएम मोदी के साथ कैसा होगा रिश्ता? अमेरिका में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पीएम मोदी नए और पक्के दोस्त बनाने में माहिर हैं। उनकी पर्सनालिटी बेहद आकर्षक है। यही वजह है कि जिस रिपब्लिकन पार्टी से भारत के संबंध पहले की सरकारों के दौरान अच्छे नहीं रहे, उसी पार्टी की सरकार के मुखिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत सरकार के सबसे मजबूत संबंध रहे। ये सब कुछ मोदी की जादुई शख्सियत का परिणाम है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहले से कहीं ज्यादा असरदार हुआ है, इसलिए माना जा रहा है कि जो बाइडेन भी भारत की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंच गए तो अमेरिका को अपना नया उपराष्ट्रपति भी मिल गया। 55 साल की कमला हैरिस अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति होंगी। वो पहली अश्वेत साउथ एशियन है जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति होंगी। उनका भारत से क्या रिश्ता है, उनकी भारत में आखिर चर्चा क्यों है, कैसे कमला हैरिस की जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्म की कहानी जैसी है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में आप जानिए। बाइडेन के कदम व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ चले हैं और इसके साथ ही कमला हैरिस का अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनना भी तय है। चुनाव में कमला हैरिस पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत सोच समझकर दाव लगाया। सोच थी कि कमला हैरिस की वजह से एक तरफ जहां भारतीय वोटर्स साथ आएंगे, वहीं ब्लैक वोटर भी आसानी से साथ आ जाएंगे और ऐसा ही हुआ। चुनाव के बाद आए नतीजे भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। कमला एक तेज तर्रार नेता के तौर पर जानी जाती है, एक ऐसी नेता जो नए दौर के साथ कदम ताल करने में माहिर है, लेकिन कोरोना काल में कमला हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी संपर्क को बढ़ाने वाली नई दौर की नेता के तौर पर भी उभरी। एक साल पहले राष्ट्रपति पद की दावेदारी के दौरान अपने विरोधियों पर उन्होंने अलग छाप छोड़ी थी और लगातार कई बेहतरीन भाषण दिए थे। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पद की रेस में उस वक्त अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर भी भारी पड़ती नजर आई थी। कमला को विदेश मामलों का बड़ा जानकार माना जाता है और इसलिए उनका डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बड़ा सम्मान है। आज पूरी दुनिया की नजरें कमला हैरिस पर टिकी हैं, तो उसकी वजह भी साफ है। कमला हैरिस का जन्म ऑकलैंड में हुआ था। उनकी माँ भारतीय मूल की और पिता जैमिका मूल के। तलाक के बाद हैरिस को उनकी हिंदू माँ ने अकेले ही पाला। उनकी माँ कैंसर रिसर्चर और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट रही हैं। कमला भारतीय विरासत के साथ पली बढ़ी अपनी माँ के साथ भारत आती रही हैं। मतलब साफ है, कमला के पास विशाल अनुभव है, चाहे वो अनुभव अलग अलग देशों की संस्कृतियों का हो या फिर खुद से अर्जित किया गया ज्ञान हो। यही वजह है कि कमला हैरिस ने जब उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की तो पार्टी ने भी उन्हें हाथों हाथ ले लिया। भारत के लोगों में भी कमला हैरिस को लेकर जोरदार उत्साह देखा गया और उनकी जीत के लिए भारत में जगह जगह पूजा पाठ और हवन किए गए। कमला हैरिस का ननिहाल तमिलनाडु में है। उनकी माँ श्यामला गोपालन राज्य के तिरुवरूर स्थित थुलासेंद्रपुरम गांव की रहने वाली थी। इस गांव में भी कमला की जीत के लिए पूजा अर्चना की गई।
भारत के लिहाज से कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि कमला 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं, जो बाइडेन इशारा कर चुके हैं वो सिर्फ एक ही कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक नया इतिहास कमला हैरिस ने रचा है और कमला हैरिस मानती हैं कि आज जो छोटी बच्चियां मुझे देख रही होंगी वो इस तरह की संभावनाएं अपने भविष्य में भी तलाशने की कोशिश करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है।